चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहां पर 2013 का दोस्तों यहां पर हल परीक्षा पेपर करा रहा हूं, जिसमें दोस्तों हमने यहां पर 2013 के मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए। आप इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आगे को 2015 में भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, और हमारे आगे आने वाली परीक्षा में भी बहुत बहुत संभावना है कि इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। और आपको ये भी पता लग जाएगा दोस्तों कि हमारे किस तरह के क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी के अंदर आते हैं। तो आप इनको ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक आप देखेंगे और इन क्वेश्चनों का आप लुत्फ उठाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इनमें यूज होने वाले महत्वपूर्ण ट्रिक और फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या दिया है, प्रत्येक 9 में एक महिला कामगार है, अर्थात 9 यदि कामगार हमारे पुरुष हैं तो एक हमारे यहाँ पर महिला है। अब दोस्तों देखिए, यदि महिलाएं 1 to 5 हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर इनका 9 गुना है, गुणा यहाँ पर जो औरतें कामगार हैं उनका 9 गुना पुरुष कामगार है। तो दोस्तों यहाँ पर 125 के कितने हो जाएंगे टोटल कुल, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 125 का 9 टाइम, अर्थात 9 गुना यहाँ पर हो जाएगा इनका। तो दोस्तों आपका गुणा करने पर कितना आता है, 1125 यहाँ पर आता है। तो ये हमारे दोस्तों यहाँ पर 1225 यहाँ पर कुल कामगार हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन और बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हमें दिया है यदि ए बराबर बी का 2/3 और बी बराबर सी का 4/5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। दोस्तों देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। आप पहले क्या करेंगे, आप ए अनुपात बी निकाल लेंगे, फिर आप बी अनुपात सी निकाल लेंगे, और उन दोनों के माध्यम से आप ए अनुपात बी अनुपात सी को निकाल लेंगे। देखिए पहले आपको क्या दिया है, यहाँ पर ए बराबर बी का, जहाँ पर दोस्तों का लगा रहता है वहाँ पर आप गुणा लगा देंगे 2/3, अर्थात दोस्तों आपको यहाँ पर बी को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बट्टे बी बराबर आपका आ गया 2/3, अर्थात आपका ए अनुपात बी बराबर 2/3 आ गया। ये आपका पहला काम हो गया। अब दोस्तों आप निकालेंगे यहाँ पर, वैसे ये क्वेश्चन है आपकी दूसरी अगली वाली, तो बी बराबर सी का अर्थात गुणा 4/5, बी बट्टा सी निकालेंगे तो बी बट्टा सी बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4/5, और इनका अनुपात निकालने पर बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/5। तो दोस्तों ये आपका अगला काम हो गया, अगली इक्वेशन निकल के आ गई। अब आप बहुत ही आसानी से दोस्तों यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी को निकाल लेंगे। देखिए हमारी एक ट्रिक होती है, देखिए दोस्तों आपने यहाँ पर इनको क्या किया, आप यहाँ पर ए बी, ये 2 बार भी आ रहा तो आप बी और सी इस तरह से कर लेंगे। दोस्तों पहला गुणा आपका यहाँ होता है, आप ध्यान देंगे, और अगला गुणा आपका यहाँ होगा, और फिर अगला गुणा आपका इधर हो जाएगा, अर्थात इनको आप जब करेंगे दोस्तों देखिए, पहला आपका ए गुणा बी टू, अर्थात आप देख रहे हैं यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर 2 है आपका और यहाँ पर 4 है, तो 2 × 4 कितना हो गया, 8 आपका आ गया। फिर आपने अनुपात लगा दिया, अनुपात लगाने पर फिर दोस्तों आपका बी वन गुणा बी टू, अर्थात आपका 3 × 12 यहाँ पर आ गया, 12 आ गया। और अगला दोस्तों आपका बी वन गुणा सी, अर्थात आपका 3 × 5, 3×5 = 15 यहाँ पर आपका आ गया। तो आप देख रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपका 8 × 12 और 15 यहाँ पर निकल के आ गया। और दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो अनुपात वाले क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है दोस्तों, हमेशा आपका एक ए अनुपात बी अनुपात सी वाला निकालने वाला क्वेश्चन एक अवश्य ही आता है, तो आप यहाँ पर गौर करेंगे इस मेथड पर और निकाल लेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। दोस्तों पहला काम तो आपको पता होना चाहिए हमारा अभाज्य संख्या होती क्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या होती है जिनमें हम भाग पूर्णतया नहीं दे पाते किसी संख्या का, एक को छोड़कर या फिर खुद को छोड़ के। मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 3 में आप 1 को और 3 को छोड़ के कोई भी अन्य संख्या का भाग नहीं दे सकते, तो ये आपकी अभाज्य हो जाएगी। और वैसे 2 है दोस्तों आपकी, 2 में आप 1 का और 2 का छोड़ के किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं दे सकते, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा हो जाएगी, एक को और खुद को छोड़कर के जो नंबर किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होगा वो आपका अभाज्य कहलाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपका 2 हो गया, 3 हो गया, फिर वैसे आपके यहाँ पर 5 हो गया, 5 5 के बाद क्या आएगा,
सात आएगा, सात के बाद आपका आएगा 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद दोस्तों आपका 14 में जाता है, 15 में जाता है, 16 में जाता है, 17 आ जाएगा, 17 के बाद 19 आ जाएगा, 19 के बाद 20 में जाता है, 21 में जाता है, 23 आ जाएगा आपका, 23 के बाद दोस्तों आपका 24, 25, 26 में जाता है, तो आपका 27 में भी जाता है, 29 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आप गिन लीजिए इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों आपके 10 नंबर यहाँ पर आपके निकल के आगे, जो प्रथम अभाज्य 10 नंबर हैं। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको औसत निकालनी है, औसत मतलब एवरेज निकालना है। एवरेज का होता है दोस्तों आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों का नंबर। अब देखिए आपको यहाँ पर आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा, एन यहाँ पर आपके यहाँ पर 10 है, तो 10 यहाँ पर आपके आगे। अब आप दोस्तों इनको जोड़ लेंगे ऊपर वालों को, तो ऊपर वालों को ऐड करके यहाँ पर आपका 129 आता है अपॉन 10। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो आपका 12.9 यहाँ पर औसत आ गया। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकल के आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको करना पड़ता है औसत वाले। दोस्तों जो भी आपको पहले दिया वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारी परिभाषा क्या होती है और वो नंबर हमारे क्या होते हैं। मान लीजिए आपको प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का आ गया, तो प्राकृत संख्या आपको क्या होती है पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके नंबर सिस्टम के पहले बेसिक रूल हैं और बाद में आप उन्हीं का इस्तेमाल करके यहाँ पर क्वेश्चनों को करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, एक कमीज़ की लागत 20% छूट देने के बाद 64 रुपये है, तो इसकी मूल लागत क्या होगी। अर्थात दोस्तों आपको लगाना है यहाँ पर जो आपका प्रारंभिक क्रय मूल्य था या फिर आपका लागत मूल्य था वो क्या था, वो निकालना है। दोस्तों देखिए आपको क्या दिया, विक्रय मूल्य आपको दिया है, विक्रय मूल्य आपको 64 रुपये दिया है, जो आप पर 20% की छूट के बाद आपको दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कर लेंगे 64 रुपये बराबर कितना, कितनी छूट के बाद आपको 80/100। 20% का मतलब दोस्तों आपका होता है 100 माइनस छूट का प्रतिशत, ये आप करके बट्टा 100 कर लेते हैं और गुणा क्रय मूल्य आप कर लेते हैं। ये आपका विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो दोस्तों इसी का हम इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, तो विक्रय मूल्य आपका इतना हो गया और ये छूट देके इतना हो गया बट्टे 100 गुणा लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य। तो लागत मूल्य कितना है ये आपको निकालना है दोस्तों। अब देखिए आप यहाँ पर काट देंगे और देखिए वज्रगुणा करके आप निकाल लेंगे, आपका देखिए 64 गुणा 10/8 आ गया बराबर लागत मूल्य। अब लागत मूल्य आपका निकल गया आ जाएगा 8/64, यहाँ पर दोस्तों आपका 8 गुणा 10 आपका यहाँ पर लागत मूल्य आपका निकल के आ गया, लागत मूल्य आपका 8 गुणा 10 अर्थात 80 यहाँ पर निकल के आ गया। तो 80 रुपीज़ दोस्तों यहाँ पर आपकी लागत मूल्य आ गया और आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दिख रहा है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, अभी भी उससे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है, यदि वो अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचे तो कितना लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए दोस्तों आपको ध्यान पूर्वक पहले क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ना है और समझना है, बाद में आप क्वेश्चन को करेंगे। आपको दिया है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर दे रहा है छूट, और तब भी क्या हो रहा है दोस्तों लागत मूल्य पर इतना प्रतिशत लाभ हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अंकित मूल्य आपका वो होता है जो चढ़ाया जाता है वहाँ पर वस्तु पर। आपने देखा होगा डिब्बों पर लिखा रहता है कि इतना रुपया MRP, तो दोस्तों वो आपका अंकित मूल्य होता है। पहले मान लेंगे आपका क्रय मूल्य, आप मान लेंगे क्रय मूल्य मतलब आपका लागत मूल्य जो भी है वो आपने 100 रुपया मान लिया यहाँ पर, जब कुछ नहीं दिया रहता दोस्तों आप यहाँ पर 100 रुपया अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं। अब देखिए लाभ कितना हुआ, 17% हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आ गया, पहली बार में विक्रय मूल्य आपका यहाँ पर 100 प्लस दोस्तों 100 का यहाँ पर 17% कितना हो जाएगा, 17 आएगा, तो 17 यहाँ पर 117 रुपीज़ यहाँ पर आपका आ गया। अब देखिए ये आपका कितना है, कब हुआ ये, 117 आपका जब यहाँ पर अंकित मूल्य पर 10% छूट दी। अब अंकित मूल्य आप मान लीजिए, अंकित मूल्य आपको निकालना है, अंकित मूल्य बराबर आपका 100 रुपया हो गया। अब देखिए दोस्तों जब अंकित मूल्य पर यहाँ पर 10% की छूट दी जाएगी, 100 गुणा 90/100, और ये बराबर कितना दोस्तों, ये बराबर आपका इतना है, क्योंकि आपको दिया है कि 10% की छूट दें तब भी हमें क्या हो रहा है, 17% का लाभ हो रहा है, अर्थात आपको तब भी इतने रुपए मिल रहे हैं जब आप 10% की छूट दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इतना समझना है कि दोनों को आपको कंपेयर करना है, ये आप कर लेंगे तो आप इजीली यहाँ पर निकाल लेंगे। अब देखिए 0 का 0 कट गया, अब आपका यहाँ पर x बराबर कितना आता है, 117 × 10/9। जब आप भाग देंगे दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा
30 अर्थात 130 यहाँ पर आपको निकल के आ गया इतने रुपए। अब आपको क्या दिया है, यदि अंकित मूल्य पर ही दे अर्थात यदि वो छूट न दे, अंकित मूल्य पर ही वस्तु को दे देता तो कितना लाभ होता उसे, तो ये आपको अब बताना है यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं अंकित मूल्य यहाँ पर 130 है और आपका क्रय मूल्य या लागत मूल्य आपका 100 रुपये है। तो दोस्तों लाभ कितना है, लाभ आपका यहाँ पर है 130 माइनस 100 और प्रतिशत में निकालना आपको, बट्टे 100 बट्टे, क्योंकि क्रय मूल्य होता है दोस्तों, क्रय मूल्य आपका यहाँ पर 100 है, इंटू 100 प्रतिशत निकालने के लिए, तो इतना प्रतिशत आपका निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये थर्ड यहाँ पर आपका निकल के आ गया, 30% यहाँ पर आपका आ गया, 30% का यहाँ पर लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, एक बच्चे के जन्म लेने पर आज औसत आयु उतनी ही है, तो बच्चे की आयु कितनी होगी। दोस्तों देखिए जब औसत आयु में प्रभाव कोई नहीं पड़ता, देखिए पहले 8 सदस्य थे लेकिन बच्चे का जन्म लेने के बाद भी 2 वर्ष के बाद औसत उनकी वही रही, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, जो बच्चा है बच्चे की आयु जो है वो आपको बतानी है, तो कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों वो आपकी उतनी हो जाएगी जितने वर्ष के बाद आपको पूछा गया होगा, तो 2 वर्ष पूर्व आपको पूछा गया है, तो बच्चे की जब प्रभाव नहीं पड़ता है तो तब की बात है दोस्तों, ये तब का केस है, तो जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता तब आयु उतनी हो जाएगी, तो यहाँ पर बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष हो जाएगी, तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखे जो हमारे यहाँ पर SSC GD के 2013 में क्वेश्चन आए थे, और इस तरह के क्वेश्चन आपको अभी भी पूछे जा सकते हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस तरह के क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेंगे दोस्तों, और भी हम बचे हुए क्वेश्चनों को इनको अगले पार्ट में कराएंगे दोस्तों, जो हमारे 2013 के क्वेश्चन हैं, और हमने अन्य क्वेश्चन पेपर भी आपको कराए, 2015 का भी कराया है, तो आप इनको देखते रहिए लगातार, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और हम अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके थैंक्स।